हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्वेता अग्रवाल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल श्वेता क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ क्लास 10th के चैप्टर 8th की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व करेंगे। यहाँ जो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके टेस्ट पेपर में या बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। सो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है, ये आप देखेंगे कि हो सकता है आपने अगर कहीं पे कि कोई वीडियोस में या फिर कहीं किसी बुक में आपने इसका सॉल्यूशन देखा हो, तो आपको थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस आपको इसके मिल सकते हैं। बट जो सॉल्यूशन मैं आपको इस क्वेश्चन का बताऊंगी, वो सॉल्यूशन जो है वो बोर्ड एग्जाम के लिए परफेक्ट है। अगर आप उस तरह से इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में करेंगे तो आपको डेफिनेटली फुल मार्क्स मिलेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्वेश्चन को देख के थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में एंगल ए एंड बी बोथ आर एक्यूट एंगल गिवन है और हमें गिवन है कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। बट यहाँ पे कहीं भी हमें ये गिवन नहीं है कि ए एंड बी बोथ आर इन द सेम ट्राइंगल, और यहाँ पे गिवन नहीं है कि इन अ ट्राइंगल ए बी सी, या फिर समथिंग लाइक कि ए और बी इन अ सेम ट्राइंगल। क्योंकि आप देखोगे कि पूरी एक्सरसाइज के जितने भी और क्वेश्चंस हैं, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 10th की बात करते हैं, या फिर हम बात करते हैं आपके और डिफरेंट क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, तो वहां पहले से ही गिवन था कि इन ट्राइंगल ए बी सी और इन ट्राइंगल पी क्यू आर। बट यहाँ पे क्वेश्चन मैंने पूरा इसीलिए लिखा कि आपको कहीं पे भी गिवन नहीं है कि एंगल ए एंड एंगल बी बोथ आर इन द सेम ट्राइंगल, द फर्स्ट रीजन। एंड द सेकेंड रीजन इस की जो एनसीईआरटी की बुक में एग्जाम्पल भी हुआ है, वो भी सेम ट्रायंगल के लिए नहीं किया गया है। तो इसीलिए हम ए और बी को सेम ट्रायंगल में नहीं ले सकते। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है अधिकतर बच्चों का कि मैम, क्या हम इस क्वेश्चन को ए के ट्रायंगल में ए और बी लेके नहीं कर सकते? वो तो टू स्टेप में ही हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए और बी एक ट्रायंगल में गिवन नहीं, और जब तक हमें कोई कंडीशन गिवन नहीं होती है तो हम अपने मन से उसको नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए और आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मैं जो ए और बी है ना, इन दोनों को अलग अलग ट्राइंगल्स में लूंगी। तो सबसे पहले मैं एक फर्स्ट ट्राइंगल बना लेती हूँ अपना। यहाँ पे मैंने ट्राइंगल्स बना लिया। ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल मैंने ए पी बी, ए पी क्यू, और सेकंड ट्राइंगल मैंने बी एम एन बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ए जो है मैंने फर्स्ट ट्राइंगल में लिया, और एंगल बी मैंने सेकंड ट्राइंगल में लिया। गिवन है कि एक्यूट है, तो ऑब्वियसली एक्यूट प्लेसेस पे ही लेंगे हम, राइट प्लेसेस पे तो हम वैसे भी नहीं लेते हैं गिवन एंगल्स को। तो ये पे दो ट्राइंगल हमें बना लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सिंगल ट्राइंगल में नहीं कर सकते। मैं बार बार आपको एक ही बात समझा रही हूँ। आपको अगर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है तो प्लीज आप एक ट्राइंगल में ए और बी को लेके मत कीजिएगा। अगर आप वैसे करते हैं तो 99% चांसेस है कि आपको उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अब हमें गिवन क्या था, यहाँ पे हमें गिवन था cos a इज इक्वल टू cos b। जो हमारा हमने यहाँ पे जो फिगर्स बनाई है, यहां से हम cos a और cos b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो cos a मेरा कितना होता है, बेस अपॉन cos a की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपो। तो ये मेरा हो जाएगा ap अपॉन हाइपो ए क्यू, और ये मेरा हो जाएगा bm अपॉन हाइपो bn। तो ये हो गया। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ कि हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे कैसे, आगे करेंगे कैसे, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमें प्रूफ करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ध्यान रखना, जैसे कि अभी मैंने सिमिलर ट्राइंगल्स की इनिशियल वीडियो मैंने बनाई है, आप उसमें भी जाके सिमिलैरिटी को समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। यहाँ हम सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे इन ट्राइंगल्स। तो यहाँ पे ट्राइंगल ए पी क्यू एंड बी एम एन में हम इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे। एंड वी हैव अ कंडीशन ऑफ सिमिलैरिटी इफ द रेशियो ऑफ थ्री साइड्स, ऑल थ्री साइड्स आर सेम, और द ऑल थ्री साइड्स आर इन प्रपोर्शन, देन वी कैन से द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। एंड इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, देन वी कैन से ऑल द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो वी विल यूज दिस कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हमें दो साइड्स का रेशियो मिल चुका है, हम थर्ड साइड का रेशियो भी इक्वल फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इसको चेंज कर लेंगे। तो पहले हमें इसको, क्योंकि हमें एपी, एपी को हम किसके प्रपोर्शन में लाएंगे, बीएम के, तो यहाँ इसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं। क्रॉस पोजिशन पे हैं तो हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। तो एपी अपॉन बीएम इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन बीएन। ये मैंने इसलिए किया जिससे कि मैं प्रपोर्शन में ले आऊं। तो मैंने इसको लेट कर लिया के, तो मैंने इसकी वैल्यू को के लेट कर लिया। दो साइड्स का रेशियो मुझे इक्वल आ गया है, मुझे थर्ड साइड का रेशियो फाइंड करना है। तो मेरी जो थर्ड साइड है वो मेरी क्या है, थर्ड साइड है मेरी पी क्यू और एम एन। तो यहाँ पे हम पहले पी क्यू और एम एन को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं लिख लेती हूँ इन ट्राइंगल ए पी क्यू क्या होगा, पी क्यू स्क्वायर मेरा कितना आ जाएगा, ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। तो पी क्यू की वैल्यू को मैं लिख सकती हूँ अंडर रूट
aq square minus ap square. और सिमिलरली यहाँ पे लिख देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम. और यहाँ पे सिमिलरली व्हाट वी कैन डू इन ट्राइंगल BMN, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लीज फोकस कीजिएगा. तो MN इज इक्वल टू अंडर रूट. सिमिलरली भाई कि हमें परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर. इन दोनों वैल्यूज को मैंने इक्वेशन यहाँ पे वन बोल दिया है. ठीक है, अभी हम इसको यूज करेंगे. तो यहाँ पे मैंने PQ की और MN की वैल्यू फाइंड कर ली है. अब मुझे जो वैल्यूज फाइंड करनी है उनमें जो AQ है और AP है वो मैं यहां से निकाल सकती हूँ इन द टर्म्स ऑफ BM और BN. कैसे निकाल सकती हूँ कि AP को मैं क्या लिख सकती हूँ यहां से, AP इज इक्वल टू KBM. और AQ को मैं क्या लिख सकती हूँ, KBM. ये मैं वैल्यूज लिख सकती हूँ ना, यहाँ पे इसे मैंने इक्वेशन टू बोल दिया. तो अभी मुझे क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है जो कि मैं फाइंड करती हूँ. तो मुझे रेशियो थर्ड साइड का फाइंड करना था. दो साइड्स का मैं ऑलरेडी मैंने बोल दिया है इक्वल है K, क्योंकि वो गिवन था हमको, ये हमको गिवन था. यहाँ पे मैं इसमें लिख भी देती हूँ रीजन गिवन, जो भी रीजन जरूर लिखना है. तो यहाँ पे मुझे थर्ड साइड का रेशियो फाइंड करना है. थर्ड साइड है मेरी PQ अपॉन MN. तो PQ मैंने अभी निकाला इक्वेशन वन से, उन्हें पहले से वैल्यू फाइंड करके रखी हुई है यहाँ पे, AQ स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर. और MN की वैल्यू भी मेरे को पता है कितना है, BN स्क्वायर माइनस BN स्क्वायर. अब ये जो वैल्यूज है ना, ये मैंने इक्वेशन वन से फाइंड, तो अब मैं इक्वेशन टू से इनकी वैल्यूज पुट कर देती हूँ न्यूमरेटर पार्ट की. तो कितनी आएगी, AQ की वैल्यू मैंने फाइंड करी है KBN, तो K स्क्वायर BN स्क्वायर. और AP की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, K स्क्वायर BN स्क्वायर अपॉन BN स्क्वायर माइनस BN स्क्वायर. ये इंपॉर्टेंट स्टेप है बहुत ध्यान से देखने का. इस क्वेश्चन में दो इंपॉर्टेंट स्टेप है. एक तो फर्स्ट जब यहां पे हमने क्या किया था, इसको क्रॉस पोजीशंस पे चेंज किया था. और सेकंड फिर हम यहाँ वैल्यू फाइंड करना है. तो जब हम K स्क्वायर से हम K बाहर ले सकते हैं दोनों में से, अंदर मेरे पास बच जाएगा BN स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर अपॉन अंडर रूट BN स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर. और मैं इसको क्या कर सकती हूँ, कट कर सकती हूँ. दोनों मेरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, कट. तो ये वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू भी मेरी कितनी आ जाएगी, K आ जाएगी. तो मेरे को तीनों साइड्स का रेशियो मिल गया सेम, बिल्कुल सेम आ गया मेरा तीनों साइड्स का रेशियो. AB अपॉन BM इज इक्वल टू AQ अपॉन BN इज इक्वल टू PQ अपॉन MN. तीनों का रेशियो मैंने K फाइंड कर लिया. तो अब मेरे दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे. तो आगे हम इसमें लिख सकते हैं, सो इसे इक्वेशन हम बोल देते हैं थ्री. तो हम यहां लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन, लेट अस सपोज, अभी हमने इसको मेंशन नहीं किया था, ये हमने मेंशन कर देते हैं. लेट अस सपोज ए बोल देते हैं इस इक्वेशन को. अगर हम बीच में भूल जाएं किसी इक्वेशन को मेंशन करना, तो हम उसको अलग से ए बी सी ऐसे कुछ भी नोटेशन दे सकते होते हैं, ए एंड थ्री से. तो ये हो गया आपका ए पी अपॉन बी एम इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी एन इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन एम एन. तीनों साइड्स का रेशियो सेम आ गया. आप लिख लेना इन ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल बी एम एन. इन दोनों ट्राइंगल्स में हमने क्या कर लिया, तीनों साइड्स का रेशियो हमने इक्वल लिख लिया है, इक्वल टू के. तो अब हमें ये पता है, सो हम लिखेंगे ट्राइंगल ए पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल. देखिए सिमिलैरिटी वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि करस्पॉन्डेंस का हमें ध्यान रखना होता है. तो जब हम करस्पॉन्डेंस देखेंगे तो हम कैसे देखेंगे वो आपको मैं एक और बार समझा देती हूँ कि इन दोनों को देखेंगे. इन दोनों में हमारा क्या है, जैसे न्यूमरेटर में ए ए आ रहा है तो डिनोमिनेटर में बी है, तो ए के करस्पॉन्डिंग बी हो गया. अब बचा क्या, यहाँ पे पी बचा इसमें एम, तो पी की जगह एम होगा. अब उसके बाद हमारा रिमेनिंग एन ही है. तो हम इस तरह से करस्पॉन्डेंस देख लेते हैं. तो ट्राइंगल ए पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी एम एन. एंड जो इसमें वो लगी है आपकी एस एस एस, सिमिलैरिटी आपने यहाँ पे यूज किया. अब इसमें फिर अगर आपको पता है दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनके एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी. बस यही हमको फाइंड करना था. यहाँ पे आप लिख सकते हो बिकॉज ट्राइंगल्स आर सिमिलर सो द एंगल्स आर इक्वल. ये क्वेश्चन में एक बार और ब्रीफ कर देती हूँ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसको प्लीज आप फोकस कीजिएगा और इसको उस मेथड से बिल्कुल भी मत प्रैक्टिस कीजिएगा जिसमें आपने टू लाइनर में हो जाएगा और आप कहोगे कि दोनों जो आपके एंगल्स हैं वो एक ही ट्राइंगल में. ये नहीं लेना हमको, क्यों, क्योंकि हम मेंशन ही नहीं है. जब मेंशन ही नहीं है तो हाउ कैन वी टेक इट. सो हम वही चीजें लेते हैं जो हमें पहले से गिवन होती हैं, पहले से पता होती हैं. तो यहाँ पे हमें एंगल ए और बी दो एक्यूट एंगल्स दिए थे और हमें गिवन था कि एंगल कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी. हमने दो अलग अलग ट्राइंगल्स बना लिए, एक में एंगल ए लिया, एक में एंगल बी ले लिया.
कॉस ए की वैल्यू लिख ली, कॉस बी की वैल्यू लिख ली, हमें पता है सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट में अगर मैंने तीनों साइड्स का रेशियो सेम इक्वल कर दिया, प्रूव कर दिया सेम, तो मैं ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल सकती हूँ, ट्रायंगल्स अगर सिमिलर होंगे तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉस ए कॉस बी की वैल्यू लिखी, क्रॉस किया, दो रेशियोज मुझे इक्वल आ गए, थर्ड रेशियो मैंने फाइंड कर लिया पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, वो भी मेरा के आ गया, तो मुझे पता चल गया कि तीनों साइड्स का रेशियो मेरा कितना है, सेम है। और तीनों साइड्स का रेशियो अगर सेम है तो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर, ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो एंगल ए मेरा इक्वल आ गया एंगल बी, यही मुझे प्रूफ करना था। फ्रेंड्स होपफुली आपको ये वीडियो भी समझ में आई होगी, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोस। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है 7/8 एंड फाइंड करना है हमको, यहाँ पे टू पार्ट्स हमको गिवन है क्वेश्चन में, 1 sin theta into 1 - sin theta upon 1 cos theta 1 - cos theta एंड द कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरह के क्वेश्चंस में हम वही सेम करेंगे कि हम ट्रायंगल बना लेंगे, ट्रायंगल में हमें टू साइड्स गिवन है विद द हेल्प ऑफ द रेशियो एंड वी विल कैलकुलेट द थर्ड साइड। द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हम पहले टैन थीटा की सोचेंगे, टैन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड वी विल डू द रेसिप्रोकल ऑफ दैट टू कैलकुलेट द कॉट थीटा वैल्यू। द वैल्यू ऑफ बेस, लेट बेस, बेस इज इक्वल टू व्हाट इज अवर बेस फॉर एंगल थीटा, द एडजेसेंट वन ए बी, ए बी की वैल्यू हम ले लेंगे, यहाँ पे हमें गिवन था यहाँ वैल्यू 7/8 तो यहाँ पे हम 7 के ले लेंगे एंड द परपेंडिकुलर बी सी विल टेक 8 के। एंड नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी वी अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, फिर हम यहाँ वैल्यूज प्लेस कर देंगे 7k² प्लस 8k² दैट इज इक्वल टू 49k² प्लस 64k² एंड द वैल्यू विल कम, द वैल्यू विल कम 113k². सो द वैल्यू ऑफ ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 113k² विच इज इक्वल टू अंडर रूट 113k। ये जरूरी नहीं कि हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही आएगा, हमारा नंबर ऐसा भी हो सकता है कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो हम उसको वही रखेंगे 113k ही रखेंगे, अंडर रूट 113k। ओके सो यहाँ पे हमें वैल्यूज मिल गई हैं, द हाइपोटेन्यूज इज 113k अंडर रूट एंड द बेस इज 7k परपेंडिकुलर इज ए। नाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यूज फॉर द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हमारा कितना है 8k एंड हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 113k, तो ये आगे 8 अपॉन अंडर रूट 113, सो विल फाइंड द वैल्यू, द रिक्वायर्ड वैल्यू, व्हाट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू, 1 sin theta into 1 - sin theta upon 1 cos theta upon 1 - cos theta। तो यहाँ पे वैल्यू हम प्लेस करेंगे, वैल्यूज हमारा कितना कितना था, 1 - 8/√1/3, 1 + 8/√113 अपॉन 1, ओके कॉस थीटा की वैल्यू भी हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हमारी आ जाएगी, कॉस थीटा आ जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपो एंड दैट इज 7/√113, तो ये भी हम प्लेस कर देंगे 1 - 7/√113 एंड 1 + 7/√113। तो यहाँ पे हम फिर आइडेंटिटी पुट कर सकते हैं a - b a + b, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो द वैल्यू विल कम 1 square 1 8 square 64 एंड अंडर रूट 113 square 113 अपॉन 1 - 49/113। हमने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज की है एंड द आइडेंटिटी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आइडेंटिटी यहाँ पे हमने अप्लाई किया। तो फिर अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे आएगा हमारा 113 - 64 अपॉन 113 एंड 113 - 49 अपॉन 113, तो ये हम कट कर देंगे डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, सो वैल्यू विल कम 49/64। द आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट इज 49/64, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। एंड नाउ विल कैलकुलेट द सेकंड पार्ट, एंड सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है कॉट स्क्वायर थीटा,
कॉट थीटा की वैल्यू हमारी कितनी है, गिवन थी हमें पहले से 7/8, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, ये आ जाएगा 49/64। तो ये मेरा सेकेंड आंसर हो गया। आपको एक इम्पॉर्टेंट बात मैं इस पर बताना चाहूंगी कि जो हमारा कॉट स्क्वायर थीटा होता है दैट इज इक्वल टू द कॉट थीटा का होल स्क्वायर, मतलब जो कॉट थीटा की वैल्यू आएगी उसी को स्क्वायर करने पे हमारा कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 कंप्लीट कर लिया है। हम आपके साथ क्लास 10th का फुल सिलेबस विद इजी मेथड के साथ करेंगे। होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। फ्रेंड्स, मेरी वीडियोस को रेगुलर देखने के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।